अ डॉग्स वे होम ये एक फैमिली एडवेंचर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है चार्ल्स मार्टिन स्मिथ ने। अब ये एक एक्टर के साथ साथ एक डायरेक्टर भी हैं। अब इनकी एक्टिंग के बारे में मुझे उतनी आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने इनकी कोई भी मूवी नहीं देखी है, मगर डायरेक्शन की बात करूं तो इस मूवी को देखकर इनकी डायरेक्शन ये कहना गलत नहीं होगा कि काफी जानदार है। सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। अ डॉग्स वे होम ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 3 मई 2019 को और ये रिलीज हुई सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। स्टोरी है बेला नाम के एक कुत्ते की, सॉरी कुतिया की, थोड़ा अजीब लग रहा है हिंदी में कुतिया बोलना, सो आई थिंक वी विल स्टिक टू इंग्लिश एंड वी विल से इट डॉग। अब इस डॉग की यानी कि बेला की आवाज दी है ब्राइस डायलस हावर्ड ने, जिनको हमने स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड और ब्लैक मिरर जैसी सुपर हिट टीवी सीरीज में देखा है। इस मूवी में हम ये देखते हैं कि कैसे बेला छोटे से बड़ी होती है और क्या क्या इस दौरान ये खोती है और पाती है और क्या क्या एक्सपीरियंस करती है इस दौरान। सिंपली पुट, ऑन एन एवरेज एक इंसान 50 से 60 साल तक जीता है। सेम तरीके से एक डॉग की जिंदगी लगभग 15 से 20 साल की होती है। अब मैं इंसान को ह्यूमन से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, पॉइंट ये है कि जो 50 से 60 साल की उम्र में एक आदमी गुजरता है, पैदा होता है, अपनों से मिलता जुलता है, घुलता है, उसका एक परिवार होता है, उसे पता होता है पैदा होते से कि उसका एक परिवार है एंड बहुत सारी चीजें वो लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। उसी तरीके से इस मूवी में एक डॉग जब पैदा होता है, पैदा कौन से कंडीशन में होता है, आगे क्या होता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो क्या क्या एक्सपीरियंस करता है एक डॉग के नजरिए से, वो सारी चीजें एक डॉग के साथ में अच्छा क्या होता है, उसके साथ में बुरा क्या होता है, उसके पूरे लाइफ के दौरान वो जब सेफ होता है तो क्या फील करता है, जब सेफ नहीं होता है तो क्या फील करता है, जैसे कि एक इंसान की जिंदगी में जो कुछ होता है वैसे ही एक कुत्ते की जिंदगी में क्या क्या होता है, एक डॉग की जिंदगी में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें हम इस मूवी में देखते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि इंसान का सबसे वफादार जानवर कुत्ता ही होता है, तो हम बेला को देखते हैं कि कैसे लावारिस जिंदगी से जब लूकस इनको गोद लेते हैं तो कैसे बेला की लाइफ बदल जाती है और उसे वो सब मिलता है जो उसे चाहिए होता है, एक प्यार करने वाला परिवार, अच्छा खाना, खेलना कूदना, लगभग सभी कुछ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक इंसान अपने लाइफ में क्या क्या फेस करता है, उसी तरीके से एक कुत्ता यानी कि एक डॉग अपने लाइफ में क्या क्या फेस करता है वो हमें ये मूवी बताती है। सो, एक इंसान अच्छी चीजें भी फेस करता है, बुरी चीजें भी फेस करता है, तो वो सेम चीजें हम बेला के लाइफ में देखते हैं कि कैसे स्टार्टिंग में उनके लिए चीजें अच्छी नहीं होती, बाद में जब लूकस उनकी जिंदगी में आती है तो चीजें अच्छी हो जाती है एंड फिर अगेन एक्स वाई जेड रीजन की वजह से जब ये लूकस से बिछड़ जाती है, अलग हो जाती है, तो क्या क्या एक्सपीरियंस करती हैं, किन किन जानवरों से मिलती है, उनसे कैसे इंटरेक्ट करती है, कैसे वो डर जाती है बहुत सारे जानवरों को देखकर, क्योंकि वो हमेशा लूकस के साथ में रही है, उनके घर में रही है, कभी बाहर नहीं निकली है, तो बहुत सारी चीजें वो देखती है। रास्ते में काफी दुश्मन भी बनते हैं, दोस्त भी बनते हैं, ऐसे कंडीशन में जहां पर कोई जबरदस्ती इनको अपने साथ में रखना चाहता है उसके साथ में भी ये बहुत लॉयल रहती हैं, घुल मिल के रहती हैं, ऐसा नहीं कि बाग करे उनके अगेंस्ट हो जाए। तो ये एक टोटल टॉक की जर्नी हमें इस मूवी में दिखाई गई है और ऐसा नहीं है कि ज्यादातर मूवी में कैसा होता है कि एक कुत्ता सोचता है और उसको एक एक्चुअली वॉइस दी जाती है, इस मूवी में वैसा नहीं है। इस मूवी में सिर्फ ये दिखाया गया है, वॉइस नहीं दिया गया है, सिर्फ ये दिखाया गया है कि क्या वो कुत्ता यानी कि वो डॉग यानी कि बेला सोच रही होगी, क्या इमेजिन कर रही होगी, तो उसका आवाज दिया गया है आपको, तो एक आपको एक आइडिया मिलता है कि शायद से ये बेला जो है अभी ये सोच रही है, शायद से अभी ये खुश है तो ये कहेगी, शायद से ये कह रही है। एग्जैक्टली डायरेक्टर आपको ये पॉइंट आउट नहीं करना चाहते कि वो कुत्ता अपने मन में वही सोच रहा है, वही बोल रहा है, प्योरली वही नहीं सोच रहा है, सिर्फ एक उनके कैरेक्टर को एक आवाज दे दी गई है जो कि एक्चुअल में उनकी आवाज नहीं है। तो अब क्योंकि बेला लूकस से अलग हो गई है और ऑलमोस्ट 400 मील दूर है अब लूकस से, तो कैसे अब ये लूकस से वापस मिलती हैं, मिल पाती हैं भी या नहीं, और इस जर्नी के दौरान क्या क्या एडवेंचर फेस करती हैं, ऑफकोर्स बेला फेस करती हैं, ये सारी चीजें हम इस मूवी में देखते हैं जिसका नाम है अ डॉग्स वे होम। आप इसका हर एक मिनट एंजॉय करेंगे। ब्राइस डैलास हावर्ड जिन्होंने आवाज दी है बेला की,
एक तरीके से बेला के कैरेक्टर में ये जान डाल देती है, क्योंकि बेला का कोई एक्सप्रेशन आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, एक कुत्ता जिस तरीके से मिमियाता है या रोने की आवाज निकालता है, वो सब तो एक कुत्ते की आवाज से रिप्लेस किया गया होगा ऑफकोर्स, मगर जो बेला का आवाज दिया है ब्राइस ने एक्सप्रेशन को, जैसे कि प्यार से जो एक्सप्रेशन निकलता है, उदास रहती तो एक्सप्रेशन निकलता है, फन के मूड में रहती तो एक्सप्रेशन निकलता है, आवाज में भी बहुत बार एक्सप्रेशन निकलता है। सो वो सारे एक्सप्रेशन ब्राइस ने बखूबी बेला के लिए किए। जब बेला जर्नी पे होती है वापस लुकस से मिलने के लिए, हम बहुत सारे एडवेंचर चीजें देखते हैं, जैसे कि रास्ते में जब इनको जानवर मिलते हैं तो अजीब अजीब स्ट्रेंज कंडीशन में मिलते हैं, मिले कुछ मजबूरी में मिल जाते हैं तो कुछ आउट ऑफ नोवेयर मिल जाते हैं, ऐसे कंडीशन होते ही नहीं है, और ऐसे ऐसे जानवर मिलते हैं जहां पर मुझे देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि यार इनमें मारा मारी ना हो जाए, बट स्ट्रेंजली इन दोनों में एक बॉन्ड बन जाता है। कुछ ऐसे जानवर भी मिलते हैं जिनसे इनको खतरा रहता है और इनके इमेजिनेशन में भी सोचती है कि काश ये जानवर मुझे मिले ही नहीं, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, जो कि थोड़ा वियर्ड था, बट स्टिल जो बॉन्डिंग हमें अलग अलग जानवरों के बीच में देखने को मिली है वो काफी इंटरेस्टिंग थी। सीरियसली कहूं तो बहुत सारे इंस्टेंसेस में जब बेला दूसरे जानवरों से इंटरेक्ट करती है तो एक पल के लिए आपको ऐसा लगता है, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या यार सही में डॉग ऐसा सोचता होगा। जब आप किसी डॉग को सहलाते हैं तो क्या सही में उसके मन में यही सारी बातें चलती होती हैं? कुछ इस तरीके का रियल इफेक्ट दे दिया ये मूवी आपको। मूवी में जो डॉग इस्तेमाल किया गया है उसमें एक ऑफिसर जो है मूवी में उसे पिटबुल डॉग करके बुलाता है। आई डोंट नो एक्चुअली वो पिटबुल है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं कि पिटबुल कैसे दिखते हैं, बट इस मूवी में पिटबुल नाम को जो यूज किया गया है उसको लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के काफी जगहों में पिटबुल बैंड एक्चुअली अलाउड नहीं है। अगर आपके घर में पिटबुल है तो इट्स ओके, लेकिन जैसे ही घर के बाहर जाएगा इट्स नॉट अलाउड। अगर किसी ऑफिसर ने पकड़ लिया उसे तो दैट्स इट, यू विल लूज योर डॉग। एंड ये इसलिए है क्योंकि वहां पे कानून है कि पिटबुल बहुत सीरियस तरीके के डॉग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, अटैक कर सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, और बहुत लोग जो ऑफकोर्स पिटबुल को ओन करते हैं और बहुत जो नहीं भी ओन करते हैं उनको लगता है कि ये गलत है, वहीं पर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये सही है, पिटबुल एग्रेसिव है, उनको अपने पास में नहीं रखना चाहिए। सो इस मूवी में पिटबुल करके वर्ड इस्तेमाल किया गया, जहां पे ऑफिसर उस कुत्ते को बोलता है कि ये पिटबुल है, खतरनाक है, तो ये आप नहीं रख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको लेकर काफी पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी भी है कि पिटबुल को प्रमोट कर रहे हैं, पिटबुल को अच्छा दिखाया गया एक्सेट्रा। व्हाट आई थिंक इज, किसी को अगर पिटबुल डॉग पसंद है ठीक है उनको यूज करने दो, नहीं पसंद है यू गाइज स्टे अवे फ्रॉम पिटबुल। एंड अगेन ये भी बात आती है कि एक कुत्ते की परवरिश के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कुत्ता एग्रेसिव होगा या नहीं होगा। अगर उसे हार्श एनवायरनमेंट में रखेंगे तो ऑफकोर्स वो एग्रेसिव होगा, हार्श एनवायरनमेंट में नहीं रखेंगे तो एग्रेसिव नहीं होगा। सो इनडायरेक्टली ये भी कहना गलत नहीं होगी कि कहीं ना कहीं शायद इंसान जो पालते पोसते हैं शायद वही कहीं ना कहीं गलत है, बहुत कंडीशन में नहीं भी हो सकता है, बट स्टिल हुआ वी टू जज। ओवरऑल कहूं तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छी मूवी लगी, एक स्पेशली एक कुत्ते के जर्नी को लेकर, कुत्ते का दोस्त बनाना, सर्वाइव करना हार्श कंडीशन में, एंड स्पेशली खाने के लिए ढूंढना, वो सारे मोमेंट्स तो काफी फनी भी थे। सो अगर आप मुझसे पूछे कि क्या ये मूवी देखने लायक है, सो डेफिनेटली मेरी तरफ से ये एक वन टाइम वॉच है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7/10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी अ डॉग्स वे होम का। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।